तो दोस्तों आज 7 जून 2021 सोमवार का दिन हो चुका था। ये फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। राज्य के मेधावी विद्यार्थी अब आर्थिक परेशानी के कारण सुनहरे भविष्य वंचित नहीं होंगे। आपको बता दें, राज्य सरकार ने ऐसे विद्यार्थियों की विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की है। इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए ही दिया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग ने योजना के लिए दिशा निर्देश भी अब जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से संचालित सभी सरकारी विद्यालय सोमवार से खुल जाएंगे। इसमें खास बात यह है कि स्कूल खुलने पर शिक्षक तो आएंगे, लेकिन यहाँ बच्चों की गूंज सुनाई नहीं देगी। आपको बता दें, सरकारी विद्यालयों में नया शिक्षा सत्र 7 जून से प्रारंभ होगा। शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि पहले दिन संस्था प्रधान व स्थानीय शिक्षकों को विद्यालय में आना होगा। अन्य जिलों में या बाहर रहने वाले शिक्षकों को इसमें राहत दी गई है कि 10 जून से सार्वजनिक परिवहन शुरू होने पर उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। कोरोना संक्रमण के चलते शादियां स्थगित हुई, लेकिन प्रदेश में रीट और पटवार परीक्षा ने हजारों युवतियों की शादी भी रोक दी। आपको बता दें, प्रदेश में करीब 35 लाख युवा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में रीट की परीक्षा के लिए 16,50,000 तथा पटवारी की परीक्षा के लिए 4,42,145 आवेदन लिए गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं और कानूनी पेचीदगियों में फंसी RASM अधीनस्थ सेवा भर्ती 2018 अंजाम तक पहुंचेगी। आपको बता दें, कोई बड़ी अड़चन नहीं आई तो राज्य को जुलाई के बाद राज्य को लगभग 1,051 RAS अफसर मिल जाएंगे। आयोग ने RASM अधीनस्थ सेवा के लिए अप्रैल 2018 में आवेदन मांगे थे और 5 अगस्त को इसकी प्री एग्जाम कराई गई थी। प्रदेश भर के कॉलेजों में विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए शुरू किए जा रहे ज्ञानदूत कार्यक्रम में 22 विषयों की पढ़ाई की जाएगी। आपको बता दें, ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन का दायित्व भी 12 राजकीय महाविद्यालयों को सौंप दिया गया है। प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इस अनुपात में सरकारी नौकरी नहीं दे पा रही है। आपको बता दें, दूसरे और सरकारी विभागों में खाली पदों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 63 सरकारी विभागों में लगभग 2.60 लाख से अधिक पद खाली चल रहे हैं। 12वीं की CBSE बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद सरकार के सामने अब नीट और JEE मेंस जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं को भी रद्द करने का दबाव बढ़ने लगा है। हालांकि इन सब के बावजूद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट संकेत दिए कि नीट और JEE मेंस की परीक्षा रद्द नहीं होगी। कोविड-19 के दुष्प्रभाव के कारण केंद्र और राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की CBSE, ICSE और राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी। ऐसे में अब अभिभावक मांग कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा शुल्क वापस लौटाया जाए। आपको बता दें, अकेले राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए प्रदेश के 21 लाख अभिभावकों से 140 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई थी। प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में 7 जून से नया शैक्षिक सत्र शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही स्टाफ के लिए भी स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन अभी विद्यार्थियों को नहीं बुलाया जा रहा। आपको बता दें, विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें पहुंचाने की भी तैयारी कर ली। इस बार 10वीं और 12वीं कक्षा में NCERT का सिलेबस लागू होगा। विभाग ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की गाइडलाइन भी जारी कर दी है। कोरोना के चलते मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर ने 12वीं के अंकों के आधार पर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट तैयार कर दी। आपको बता दें, यदि इस वर्ष भी सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट किया तो मात्र फाइनल ईयर की परीक्षा पास कर स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो जाएंगे। वर्ष 2020-21 के प्रिंसिपल पदों पर नियमित पदोन्नति की तैयारी की जा रही। आपको बता दें, DPC के लिए अस्थायी पात्रता शिक्षा निदेशक ने जारी की है। वर्ष 2009-10 से 2016-17 तक के 2014 HM और 2013-14 की वरिष्ठता से 1571 नंबर तक के 3045 व्याख्याता को पात्रता सूची में रखा गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सोमवार से शिक्षकों की उपस्थिति होने के आदेश पर शिक्षक नाराज है। आपको बता दें, शिक्षक संगठनों का कहना है कि 7 से 19 जून तक स्कूल में जो कार्य टीचर्स को करने हैं, वो वर्क फ्रॉम होम भी किए जा सकते थे। मैं सरकारी स्कूल के टीचर्स को परेशान करने के लिए इस तरह के आदेश किए गए। शिक्षक संगठनों ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री को पत्र भी भेजा है। तो दोस्तों, ये थी आज 7 जून 2021 से जुड़ी शिक्षा विभाग कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुँचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। BSTC PGT रीट पुलिस पटवारी स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में साथियों, बस इतना ही। नमस्कार।